हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आज वो गढ़वाल जा रहे हैं घर, तो अभी हम उनको छोड़ने जा रहे हैं आइस बेटी। तो फिर फ्रेंड्स चलते हैं। दोस्तों हम लोग अभी निकल रहे हैं मम्मी और पापा जी को छोड़ने के लिए। देखो मम्मी कितनी इमोशनल हो रही है घर जाने के लिए। और जब क्या होता है कि मम्मी घर से आती है ना देहरादून के लिए, तब भी इमोशनल होती हैं, और अभी घर जा रही हैं तो इमोशनल हो रही हैं। दोस्तों हम लोग आइस बेटी पहुंच गए हैं और मम्मी और पापा बैठे हैं अभी गाड़ी में। तो अभी हम अंदर जाएंगे क्योंकि वहां पर गाड़ी अंदर बहुत भीड़ होती है, तो वहां पर गाड़ी पार्क करने की स्पेस नहीं हो पाता है वहां पर, तो इसलिए हम यहीं पर रोकेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम अंदर गाड़ी देखने के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि टाइमिंग 7:30 बजे की है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। तो ये है देहरादून का आइस बेटी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है देहरादून का आइस बेटी, यहाँ से सारी जगह की गाड़ियाँ लगती हैं। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हमारी वाली गाड़ी आई नहीं है, जो गढ़वाल जाती है, रुद्रप्रयाग जाती है, वो गाड़ी अभी आई नहीं है। तो अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 7:30 बजे का टाइम लिखा हुआ है उसमें। तो अभी देखो हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, पापा जी और मम्मी बैठे हैं वहाँ पर। और चलो मम्मी थोड़ी इमोशनल तो है ही, क्या बताएं, मम्मी के सामने इसलिए थोड़ी नहीं बैठ रही हूँ। मम्मी थोड़ी रोने लग जा रही है ना कि वो गढ़वाल जा रही है, तो थोड़ा होता ही है। तो चलो दोस्तों दिखाती हूँ मम्मी जब जाएगी। दोस्तों ये है टिकट काउंटर और यहाँ पर आप टिकट खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग स्टेट जाने वाली गाड़ियाँ लगती हैं सारी की सारी। और आप देख सकते हो सारी जगह की, दिल्ली की लगी हुई है, सहारनपुर की लगी हुई है, हरिद्वार की लगी हुई है, मेरठ की लगी हुई है, और सब जगह की गाड़ियाँ लगती हैं यहाँ पर। और देख सकते हो मम्मी वहाँ बैठी है अपनी बैग लेके, ये वेट कर रही हैं गढ़वाल जाने का। देख सकते हो तो ये आ चुकी है मम्मी लोगों की गाड़ी, और मम्मी अब निकल रही है घर। और अभी गाड़ी में बैठेंगे, ये गढ़वाल की रुद्रप्रयाग श्रीनगर रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग चमोली गोपेश्वर जाती है वाली गाड़ी। तो मम्मी लोग रुद्रप्रयाग में उतरेंगे, तो रुद्रप्रयाग की गाड़ी है अभी। ना मम्मी वो रख लेंगे अंदर, आप रहने। तो मम्मी वेट कर रहे हैं, देख सकते हो लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, अब हम सीट करते हैं अंदर जाके। ये देखो दोस्तों मम्मी अंदर चली गई है गाड़ी की। अब मम्मी गाड़ी में, तो आप देख सकते हो मैं अभी, मम्मी पीछे बैठ गई है गाड़ी में और मैं भी बाहर तक जा रही हूँ गाड़ी के, जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क करी है, तो वहाँ पर मैं बैठी हूँ। अच्छा हाँ उतरूँगी आगे, तो अभी उतर जाऊँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं उतर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी मम्मी लोगों को गाड़ी में बैठा के आए हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर। और आज तो घर में बड़ा अजीब ही लगेगा क्योंकि मम्मी लोग चले गए हैं। और चलो दोस्तों निकलते हैं फिर घर। तो दोस्तों जस्ट अभी हम लोग घर पहुंचे हैं मम्मी पापा को छोड़ने से, और घर में आके बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि मम्मी और पापा रहते थे तो अच्छा भरा भरा सा घर लगता था, और आज बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा। तो अभी उनका जाना भी ज़रूरी था क्योंकि फास्ट थे, तो वहाँ पर भी गांव में दीदी लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, तो इसके लिए वो लोग चले गए।
तो अभी देखो मैं तो सैड हुई कि मतलब मम्मी लोग चले गए, थोड़ा अजीब से तो लगता ही है क्योंकि मुझे अब अकेला रहना है। अभी मम्मी लोगों के साथ रह रही थी और मेरे साथ के साथ मैं तो सैड हुई। और देखो जरा ये गिम्मू को देखो आप, बिल्कुल सैड बैठी हुई है। आप देख सकते हो कितनी सैड बैठी हुई है। और उसको लग रहा है कि अभी मतलब पापा जी के साथ बैठी रहती थी वो 24 घंटे, और उसे आज अजीब सा लग रहा है। और जॉन तो क्या बोल रहे, जॉन भी बिल्कुल कभी अंदर बाहर ढूंढ रहा है उनको, जैसे मतलब कोई भी मतलब घर से चले जाते हैं ना, मतलब जैसे कभी जाते हैं तो सारे कमरों में ढूंढता है कि यहाँ होंगे जॉन, इस कमरे में होंगे, इस कमरे में होंगे, या फिर वॉशरूम में दरवाज़ा खटखटाता रहता है कि मतलब कहाँ हो आप लोग। तो एक दो दिन में उसे फिर पता चल जाता कि ये लोग मतलब कहीं जा ही रखे होंगे, ऐसे ढूंढता रहता है वो। चलो दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और मेरे ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।